हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। अब भी सुबह के हो रहे हैं साथ, और आपको मैं अभी टेंट के बाहर का व्यू दिखाता हूँ। और यार, रात को बहुत ठंडी लगी यार, बहुत ज़्यादा। स्लीपिंग बैग भी फेल, तो अभी आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ मैं। तो चलिए, आपको मैं ले चलता हूँ बाहर की सैर करवाता हूँ। तो कुछ इस तरह से है नज़ारा, ये देखिए। तो अभी हम बाहर आ चुके हैं और आनंद ले रहे हैं धूप का, मतलब फुल पावर। देखिए कुछ व्यू ऐसा है यहाँ पीछे के। सुपर्ब है यार। ये देखो गाइस, सुबह सुबह हम बादलियों में ब्रश करते हुए किसी किसी को ही मौका मिलता है ऐसे। देखिए वो गाइस, आज तो सरवाइव करना पड़ता है जंगलों में। बोलने के लिए तो बहुत लोग बोलते हैं अफ्रीका के घने जंगलों में, अफ्रीका के कांगड़ा के जंगलों में आओ ना, तो लगता है होता सर के ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ा के तो हर कोई रेस्क्यू कर लेता है। YouTube के माने जाने पहाड़ी विलेजर, जिनका चैनल धीरे धीरे ग्रो कर रहा है रेगुलर वीडियो डालने के कारण, और आप जो प्यार दिखा रहे हैं, और अभी खूब सारा प्यार करे आज चैनल को। और अभी हम यहाँ वादियों में देख सकते हैं आप ब्रश वगैरह, और कहाँ से पानी निकाल रहे हैं यार। देखिए एक एक मतलब छोटी छोटी बूंद बूंद करके हमारी बोतलें भर रही है यहाँ पे। देखिए दिख रहा होगा आपको जो पानी चला हुआ थोड़ा 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 करके, तो यहाँ से हम पानी निकाल रहे हैं। और बहुत टाइम लग रहा है यार, और खूब प्यार करे यार चैनल को, ठीक है। ऐसी मतलब बहुत शानदार वीडियोज जो है वो आपको मिलती रहेंगी, दिखती रहेंगी मेरे यूट्यूब चैनल पर। और ये रहे हमारे भाई, और वो रहा वातावरण। जैसा कि आपको बताया गया है अभी वातावरण, आज के मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार। सुबह के 7 बज रहे हैं अभी, और धूप ने अपना तांडव दिखाना शुरू कर दिया है। घर जाने का मन तो नहीं है, पर जाना तो पड़ेगा। घर वाले गोली मार देंगे हमें। गोली तो छोड़ो, पर वहीं से तोहफे चलेंगी। बोलते ना 21 तोहफों की सलामी, वो हिसाब हो जाएगा यहाँ पर। इन वादियों में मुंह में साबुन लगा था, लगा ही रह गया हुआ है। यहाँ देखिए मुंह में साबुन लगा है तो लगा ही रह गया। थुथला गए हैं यहाँ पे सुबह सुबह, भूख के कारण थुथला गए हैं, थुथला। और यहाँ पे देखिए अभी हम मुंह धोने जा रहे हैं। कैसे यहाँ पहाड़ों में मुंह धोया जाता है, कैसे साबुन लगाया जाता है। और ये देखिए, ये है हमारा कप, मतलब पहाड़ी कप इसे ही कहेंगे हम। जो हमारे हाथ में आ गया वो कप ही होगा घर वाला। तो ये देखिए अभी हम ऐसे धीरे धीरे पानी वेस्ट ना हो और साबुन भी निकल जाए, इस तरह से हम यहाँ पे पानी की बचत और साफ सुथरा रखते हैं खुद को। और इन वादियों में तो यार मतलब जन्नत है। मैं तो सोच रहा हूँ आज भी घर नहीं जाऊँ, पर क्या करे, नाक बह रही है यहाँ पे। किसकी, मेरी? मेरी वही, सर्दियाँ लग रही हैं थोड़ी। देखो जैकेट पहनी है मैंने, ठंड का माहौल है बहुत ज़्यादा। और क्या ही बताएं आपको, चिल्ड से तो मेरे, और किसी ने मेरी आईज में कुछ लगा दिया है, वो 4-5 दिन से जलते हैं लोग साले। ठीक बोला। तो दोस्तों अभी यहाँ पे मुंह वगैरह हमने धो लिए हैं, और यहाँ पे कुछ और भी ट्रैक्टर आ गए हुए हैं, ये देखिए। मतलब बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पे
मतलब ठंडक पड़ गई है यार शरीर में बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो अभी हम निकलेंगे और खाना वगैरह बनाएंगे, मैगी वगैरह जो भी सामान लेके आए हम, पनीर वगैरह जो भी है बनाएंगे, खुद आग जलाएंगे और चलते हैं यहाँ से यार, बहुत टाइम हो गया। तो मिलते हैं ऊपर टेंट में। तो अभी हम पहुंच चुके हैं अपने टेंट के पास और खाना वगैरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि अभी आग जलाई नहीं है। तो आग वगैरह जलाते हैं, उसके बाद खाना बनाते हैं और बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा यार। धारणा का भी अल्टीमेट यार। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए हमारे लंगरिया साहब काट रहे हैं यहाँ पे खीरे वगैरह जो भी है। लंगरी और देखने वाला और पीछे देखिए यार व्यू है ना सुहावना, कितना सुहावना व्यू है पहाड़ों का, तो क्या ही कहना। ये देखिए फोकस करके दिखाता हूँ आपको मैं, वो देखिए तो यहाँ पे देखिए अभी हमने पकोड़े बना के तैयार कर दिए यहाँ पे और बना रहे हैं अभी भी। और ये देखिए पनीर के पकोड़े यहाँ पे बनने के लिए तैयार होने ही वाले हैं कुछ ही देर में। और ये रहा हमारा खाने पीने का सामान और ये रहा हमारा लांगरिया। हाथ दिखाइए अपने जरा, ये देखिए लग गई है मुझे। बस अब मैं जा ही रहा हूँ वैदी की साइड से। और यार देखिए व्यू देखिए पहाड़ों का यार, क्या शानदार व्यू है यार सुबह का, ऑसम जन्नत यार भाई। देखो यहाँ से मैं बढ़िया ना बीच तो अभी हमारा दूसरा दिन है आज का और घर वापसी जा रहे हैं। मतलब बहुत ही शानदार था ये ट्रैक हमारा, बहुत ही बढ़िया। और अभी हम घर वापसी जा रहे हैं और मतलब बहुत ही बढ़िया था। तीन ही बंदे थे हम, मैं सुशांत और अंकुश भाई। दो बंदों ने गोलियां दे दी थी, बोल रहे थे ये फलाना है ढिमका है, हम नहीं आ सकते, ये काम है हमें, वो काम है। चलो बाकी नितिन भाई का तो मैं समझ सकता हूँ कि उनकी मीटिंग वगैरह थी ना, तो वो नहीं आए। और एक और बंदा था,
दोस्तों जस्ट अभी घर पहुंचा हुआ हूं मैं ट्रैकिंग से और हालत सच में बहुत ख़राब हो चुकी है। तो यार इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लव यू ऑल, राम राम सारे जो, ख्याल रखो। और हाँ, मिलते हैं ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक आप बने रहें हमारे चैनल के साथ। लव यू।